यह है ट्रिस्टन जूथ जो 18 दिन से हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और इसका कारण है वेपिंग। और डॉक्टर का कहना है कि ज्यादा वेपिंग करने से इनका लंग्स पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। वहीं दूसरा एग्जांपल है सीमा हरमेन का, जिन्हें लगता था वेपिंग एक हार्मलेस प्रोडक्ट है और ये इतना ज्यादा एडिक्टिव हो चुकी थी कि इन्हें 15 से 20 मिनट में एक वेपिंग का डोज जरूर चाहिए था। और ज्यादा वेपिंग के डोज लेने के कारण इनके दोनों लंग्स 2 दिन तक काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण 2 दिन तक ट्यूब्स के थ्रू ऑक्सीजन इनके पूरी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता था। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो अभी हॉस्पिटलाइज है। और कितने लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा चुके हैं। अगर इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ने 2019 में ही वेपिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया था। The cabinet has given approval today is first a decision to ban e-cigarettes. लेकिन 4 साल बाद भी आज की डेट में यूथ के अंदर एक ट्रेंड सा बना हुआ है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंडिया में वेपिंग बैन होने के बावजूद रिटेलर की शॉप पे ये खुलेआम क्यों बिकता है? दरअसल इसका कारण है चाइना, जो इलीगली ट्रांसफर करता है वेपिंग को इंडिया में। और आप तो चाइना के माल के बारे में तो जानते ही हैं कि वो कितना ज्यादा अच्छा होता है। और बात रही वेपिंग की, जो कि एक हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट है और ये कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, और आप ये भी जानकर हैरान हो जाओगे कि अब तो 47 कंट्री ने वेपिंग को बैन कर रखा है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वेपिंग से ज्यादा खतरनाक सिगरेट है? लेकिन फिर भी गवर्नमेंट वेपिंग को बैन कर रही है, सिगरेट को नहीं। और वेपिंग आपके हेल्थ के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। Something in the region of 7 million people a year are dying because they smoke. दरअसल जब वेपिंग इंडिया में पहली बार आया था तो इसको बहुत ही यूनिक तरीके से प्रमोशन किया जा रहा था। जैसे अगर आप सिगरेट से छुटकारा चाहते हैं तो वेपिंग यानी ई सिगरेट को पीजिए। ई सिगरेट्स गॉट प्रमोटेड इनिशियली एज अ वे इन विच पीपल कैन गेट आउट ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स। इट वाज टू बी अ वीनिंग प्रोसेस From using cigarettes. लेकिन आप जानकर हैरान हो जाओगे कि यूनाइटेड स्टेट में स्कूल और कॉलेज के बच्चे सबसे ज्यादा शिकार हुए हैं वेपिंग का, जिन्होंने सिगरेट को कभी पिया भी नहीं है। और इंडिया में इसका अनुमान काफी ज्यादा लगाया जा रहा है। और इतने सारे यूथ इसके चपेट में आने का कारण है निकोटीन, जो कि एक हाईली एडिक्टिव लिक्विड है जिसे आमतौर पर टोबैको में यूज किया जाता है। लेकिन वेप्स में इसका यूज होने के कारण जो एक बार ट्राई करता है उसको दोबारा ट्राई करने का मन करता है और धीरे धीरे वो एडिक्टिव हो जाता है वेप्स का। और जो आप निकोटीन फ्री का लेवल देखते हो वेप्स के ऊपर या रिटेलर से सुनते हो, तो बेसिकली बिना निकोटीन के वेप्स बन ही नहीं सकता है, क्योंकि बिना निकोटीन के वेप्स अगर होगा तो उसको दोबारा पीने का मन ही नहीं करेगा आपका। अब देखते हैं कि वेपिंग बनता कैसे है और काम कैसे करता है। दरअसल जो आप स्मोक देखते हो उसको बनाने के लिए एक स्पेशल लिक्विड को हीट किया जाता है बैटरी के थ्रू। और मैं इसको स्पेशल लिक्विड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि इसमें क्या क्या मिक्स किया जाता है। यहाँ तक कि कुछ हैवी मेटल भी जैसे निकेल, टीन, लीड और कुछ लिक्विड कंपोनेंट में आते हैं, जैसे निकोटीन, प्रोपिलीन ग्लाइसोल, फ्लेवरिंग लिक्विड, एक्रोलीन, डाइसिटाइल और लास्टली केडियम भी। और इन सभी लिक्विड का अगर ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करें हमारे हेल्थ के ऊपर, तो ये आपके ब्रेन पर नेगेटिव इफेक्ट करता है, कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं, लंग डिसीज हो जाता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसमें एक लिक्विड एक्रोलीन भी डाला जाता है जो नॉर्मली खेतों में वीड्स को हटाने के लिए यूज किया जाता है। और जब इस टाइप का लिक्विड हमारी बॉडी में जाता है तो ये हमारे लंग्स को हैवीली डैमेज करता है। इसलिए अगर आपको जीवन से प्यार है और लंबे टाइम तक जीना चाहते हैं तो वेपिंग को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगर आपको कोई दोस्त अगर वेपिंग को यूज करने जा रहा हो या वेपिंग यूज कर रहा हो तो वो अवेयर हो जाए कि इससे हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें।